Lecture for you. Right. So let's begin. First, cash received from Vikramjeet on behalf of Suhag. Cash received from Vikramjeet on behalf of Suhag. कैश आया ऑन बिहाफ ऑफ सुहाग, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सुहाग ऑन है, विक्रमजीत का नाम निशान नहीं आना जनरली, बिकॉज़ यू आर लायबल टू रिटर्न बैक दैट मनी टू सुहाग, सो सुहाग इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड इन द एंट्री एंड कैश इज कमिंग इन, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सुहाग अकाउंट, और यू कैन ओनली राइट सुहाग पोस्ट ऑफिस करके अकाउंट, अकेला सुहाग भी ठीक होगा। दिस इज नॉट 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट इन कैश रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ सुपर नरेशन। रेंट ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर सिंह, रेंट रिसीव ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर सिंह, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सुंदर सिंह। Yes or no? Cash is coming in. Rent receipt का नाम नहीं लेना आपने। सुंदर सिंह को आप liable हो, क्योंकि आपने सुंदर सिंह की collection करी है। तो सुंदर सिंह को आप जब liable हो, तो उसे अपने liability बना। Cash account debited to सुंदर सिंह। Cash account debited to सुंदर सिंह। What is the amount here? 15,000 debit, 15,000 credit. आगे चलो। Interest paid to Subhet Singh on behalf of Shamsher Singh. Interest paid to Subhet Singh on behalf of Shamsher Singh. Shamsher Singh का debtor है क्योंकि आप उसकी payment कर रहे हो। मेरे हिसाब से Shamsher Singh की cash आएगा, आप सोचो। शमशेर सिंह अकाउंट डेबिटेड टू कैश है, सुबेद का नाम नहीं आया। आप किसी का खर्चा पे कर रहे हो, आपकी पॉकेट में से कैश आ रहा है। जिसके लिए आप पे कर रहे हो या जिसके भी हाथ पे कर रहे हो, उसे अपना डेटर बनाना बनता है। तो यही किया मैंने, शमशेर सिंह अकाउंट डेबिटेड टू कैश, सुबेद का नाम नहीं आया कहीं पे भी जर्नल एंट्री में, राइट। एनी डाउट टू एनीवन, करो फिर एंट्री। शमशेर सिंह अकाउंट डेबिटेड टू कैश, Shamsher Singh account debited to cash. I paid on behalf of Kunal rent. I paid rent on behalf of Kunal. Can you? Meri books mein. Kunal apni books mein kya entry karega? Kunal to cash aaya. Kunal mein behalf mein meri kara. Kunal mere ko apna kya banaye? Agar main Kunal ko debtor bana liya, Kunal mere ko apna debtor banaye. ठीक है, और बना लिखेगा रेंट अकाउंट डेबिटेड टू माय नेम सोनिया, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू सोनिया, ही विल राइट, गेटिंग इट। सो दिस इज द वे। एनी डाउट टू एनीवन, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? आपके माइंड में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हु इज योर डेटर, व्हेन ही और शी इज गोइंग टू बी योर डेटर, एंड व्हेन ही और शी इज गोइंग टू बी योर क्रेडिटर, राइट। सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर, शमशेर सिंह अकाउंट डेबिटेड, Shamsher Singh account debited to cash account. What is the amount, students? 9,000 being interest paid on behalf of Shamsher Singh. Interest का कहीं पे भी नाम नहीं आया, because that is not our expense, that is Shamsher Singh's expense. अब Shamsher Singh इस entry को अपनी books में क्या लिखेगा? शमशेर कैश लिखेगा, इंटरेस्ट पे किया है। शमशेर सिंह अपनी एंट्री, अपनी बुक्स में इसको क्या लिखेगा? अभी तो सिखाया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू आर्स नेम। आर्स नेम मतलब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू
तू क्या, तू बैंक, उसने पे किया, हमने पे किया उसके बिहाफ पे। हाँ जे जे सिंह लिखेगा, जे जे सिंह लिखेगा, वो जे जे सिंह इज द नेम ऑफ द प्रोप्राइटर बिकॉज जे जे सिंह इज पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ शमशेर सिंह, वी द बिजनेसमैन। आगे चलो, अर्जुन सिंह रिसीव्ड कमीशन ऑन आर बिहाफ, अर्जुन सिंह ऑन आर बिहाफ मींस ऑन जे जे सिंह बिहाफ, अर्जुन रिसीव्ड कमीशन ऑन आर बिहाफ, बोलो हम क्या एंट्री करें, अर्जुन को अपना डेटर बनाए क्योंकि हमने वो कमीशन वापस लेनी है। अर्जुन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड, अर्जुन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड, राइट, अर्जुन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड। व्हाई यू हैवंट ओपन्ड एनी नोटबुक और यू हैवंट टेकन द पेन, व्हाट हैपेंड? तो खोलो, अच्छा पेन ही नहीं है आपके पास, वेरी गुड, दोबारा बोलो। हाँ वो रहेगी बीच में, मैं करवाती हूँ, बीच में छूट गई। इशूड चेक टू दलीप सिंह ऑन बिहाफ ऑफ सुरजन सिंह, इशूड चेक टू दलीप सिंह ऑन बिहाफ ऑफ सुरजन सिंह, बिल्कुल ठीक है, दलीप सिंह का नाम नहीं आएगा, सुरजन सिंह टू बैंक आएगा। ऑन बिहाफ ऑफ सुरजन सिंह मीन्स मैंने वो पैसा सुरजन सिंह से लेना है, ठीक है, और क्योंकि मैंने चेक दिया है तो मेरा बैंक का बैलेंस क्या होगा, कम। सुरजन सिंह अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, गुड, सुरजन सिंह अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, डन, सुरजन सिंह अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। आगे चलो, साधु सिंह received cash from Mani Singh on our behalf. Sadhu Singh received cash from Mani Singh. Sadhu Singh se main paisa lungi. Cash account debited? No. Cash debit hona hi nahi. Sadhu Singh account debited to Mani Singh hona. Dono personal account hai, main logic batati hu. Sadhu Singh ne aapke behalf pe cash receive kiya. Aap Sadhu Singh se loge? Sadhu Singh ko apna debtor banao. साधु सिंह ने किससे पैसा लिया? मनी सिंह से। मनी सिंह इज द गिवर। हैड ही बीन गिविंग मी द नेम ऑफ द इनकम तो मैं इनकम का नाम लिखती। इट मींस कि मनी सिंह कभी मेरा डेटर रहा होगा। मनी सिंह से मैंने खुद पैसा नहीं लिया, साधु सिंह ने मेरे बिहाफ पे रिसीव कर लिया, तो ये मेरा डेटर बन गया, ये मेरा क्रेडिटर था, बट नाउ ही इज गिविंग द मनी टू साधु सिंह, तो क्रेडिट द गिवर है, ही इज हियर क्रेडिट द गिवर एंड साधु इज माई डेटर। कैश मैंने थोड़ा ना रिसीव किया, कैश का आना जाना मैं लिख ही नहीं सकती। साधु ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री करी होगी, साधु का बताओ, साधु ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री करी होगी? नहीं, बिल्कुल ठीक है, उसके पास कैश आया, उसने करा होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू जेजे सिंह बिकॉज ही इज लायबल टू अस। इफ आई एम मेकिंग साधु माई डेटर तो डेफिनेटली ही विल बी मेकिंग मी, That is JJ Singh creditor. Money Singh तो मेरे लिए, Money Singh का relation मेरे साथ है, साधु सिंह के साथ नहीं है। Money might be my earlier debtor and now he is giving me the money, so he is becoming giver. You are getting the point? In every order, the aspect should be clear to you. कईयों के चेहरे देख के मेरे को लग रहा है कि मैं बोले जा रही हूँ, उनको ऊपर से निकल रहा है, नहीं समझ आ रहा। नहीं, आपको तो आ रहा समझ। तनिषा, आपको नहीं आ रहा ना समझ? फिर you have to apply your mind. आपस में डिस्कस करते हैं, अभी ये मैं कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपस में डिस्कस करते हैं, किसी को डेटर बनाएंगे, किसी को क्रेडिटर, एंड देन वी विल डिस्कस। संतोख सिंह पेड रेंट ऑन आवर बिहाफ, संतोख सिंह पेड रेंट ऑन आवर बिहाफ, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू संतोख सिंह आना। रेंट मेरा खर्चा है, मैं खुद पे करती तो रेंट टू कैश होता, किसने पे किया? संतोख सिंह मेरा क्रेडिटर बन गया क्योंकि मैंने उसे पैसा वापस करना, ठीक है, एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू संतोख सिंह, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू संतोख सिंह। डन, अमाउंट लिख लीजिए, क्या है अमाउंट?
write down the amount. What is the amount? 4500. See you next. मैं पहले सोचूंगी, मैंने रट्टे नहीं ना लगाए. खड़क सिंह इशूड चेक टू निर्वैर सिंह ऑन आर बिहाफ. वी आर लायबल टू खड़क सिंह. वी आर लायबल टू खड़क सिंह. इट मीन्स कि खड़क सिंह को मैं क्रेडिट करूंगी. ठीक है, हमारा बैंक का कोई निर्वैर टू खड़क आना. निर्वैर अकाउंट डेबिटेड टू खड़क सिंह आना. निर्वैर इज द रिसीवर, तो निर्वैर का भी मेरा क्रेडिटर रहा होगा. आज हमारी उसको पेमेंट हो गई है. निर्वैर इज द रिसीवर और खड़क सिंह को, क्योंकि मैं लायबल हूं, ही इज मेकिंग द पेमेंट ऑन माय बिहाफ. मेरी अपनी पॉकेट में से तो कुछ नहीं ना जा रहा, मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना. आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग. हु इज पेइंग ऑन माय बिहाफ? खड़क सिंह इज पेइंग ऑन माय बिहाफ, राइट? सो ही इज बिकमिंग माय क्रेडिटर इन दैट केस, राइट? और वो किसको पे कर रहा है? निर्वैर सिंह को पे कर रहा है. दोनों ही पर्सनल अकाउंट है. निर्वैर अकाउंट डेबिटेड, निर्वैर सिंह अकाउंट डेबिटेड टू खड़क सिंह. So it was a typical question which may confuse you, right? अब डिस्कस करते हैं अपनी लाइव एग्जाम्पल्स लेके. ठीक, आई पेड, मेरी बुक्स में आपने एंट्री बोलनी है. आई पेड ऑन बिहाफ ऑफ तनिषा रेंट. आई पेड रेंट ऑन बिहाफ ऑफ तनिषा. अगर मैं, पहले आपने सोचना, अगर मैं अपना रेंट पे करती तो मैं क्या करती? हाँ हाँ, आई पेड, दोनों की मैं करेंगे. पहले मेरी बुक में बता, I paid rent on behalf of Tanisha. पहले ये सोचो, अगर मैं अपना रेंट पे करती तो मैं एंट्री क्या करती? अगर मेरा अपना रेंट होता, बिल्कुल ठीक, रेंट टू कैश. अब मैंने, मेरा अपना रेंट तो नहीं है, मैं ऐसे अपना खर्चा तो नहीं दिखा सकती. इट मीन्स कि मैंने रेंट डेबिट नहीं करना. रेंट तो मैंने डेबिट करना ही नहीं. रेंट इज नॉट माई एक्सपेंडिचर. रेंट वॉज एक्सपेंडिचर फॉर Tanisha. Tanisha टू कैश, ही इज राइट. रेंट को रिप्लेस किया विद द नेम ऑफ पर्सन. Because I paid on behalf of her, it means कि I will take the money from her. जिससे मेरे को पैसा लेना होता है वो बंदा मेरा डेटर ही तो बनता है. अगर मैं रेंट को डेबिट कर रही हूँ, मैं तो उसे अपना खर्चा दिखा रही हूँ. आई एम रॉन्ग. आई पेड ऑन somebody's behalf. What Tanisha will do in her books? What Tanisha will do in her books? उसके लिए तो रेंट खर्चा है, वो रेंट को रेंट ही दिखाएगी. लेकिन क्योंकि उसने खुद नहीं पे किया, मैंने उसके बिहाफ पे किया. रेंट टू सोनिया, yes. She will pass the entry rent to Sonia. I will become creditor for her and she is my debtor. Reverse relation hai. That is, was an expenditure for her. Uske liye kharcha tha, isliye definitely she will be debiting rent in her books. Okay, Dipanshu se poochte hai ab. Interest received on behalf of Dipanshu. I received interest on behalf of Dipanshu. Pehle meri books mein. I received interest on behalf of Dipanshu. When I received interest on behalf of Dipanshu, what I am receiving? Cash. I am liable to pay to Dipanshu back that money. Cash to Dipanshu. Bilkul thi. Cash to Dipanshu. Cash to Dipanshu. Maine uske behalf pe income receive kari. Lekin wo income mere liye income nahi hai, Dipanshu ke liye income hai. Dipanshu apni books mein kya likhega? Aapko cash to nahi aaya na? Aap mera naam likhoge. Aap mera naam likhoge. Sonia to interest received likhoge. Main aapke liye debtor hu. अगर आप मेरे लिए क्रेडिटर हो तो मैं आपके लिए डेटर हूं ना. यू विल टेक बैक द मनी फ्रॉम मी. आई विल पे टू यू एंड यू विल टेक फ्रॉम मी ना. गेटिंग इट? सो एवरी टाइम यू हैव टू थिंक लाइक दैट वे. एक दोनों पर्सनल अकाउंट वाला करते हैं. चेक इशूड टू क्रिश बेरी इशूड चेक टू क्रिश कुंद्रा ऑन आर बिहाफ, ऑन माई बिहाफ. Krish Berry issued check to Krish Kundra on my behalf. Krish Berry issued check to Krish Kundra on my behalf. बिल्कुल ठीक है. Krish Kundra को पेमेंट करी है. Krish Kundra रिसीवर होगा और Krish Berry ने करी है मेरे बिहाफ पे करी है. मैं Krish Berry को अपना क्रेडिटर बनाऊंगी क्योंकि मैंने Krish Berry को पैसा वापस करना. ठीक है, तो चेक का नाम कहीं एंट्री में नहीं आया. दोनों ही पर्सनल अकाउंट है. Krish Berry issued check to Krish Kundra on my behalf. On my behalf. So I am liable to pay back to Krish Berry. Usse to creditor bana lo. Who is the receiver? Krish Kundra. Done. So this is the way how you have to think. Theek hai?
क्योंकि खर्चा मेरे लिए खर्चा नहीं है, मैं एक्सपेंडिचर को डेबिट नहीं कर सकती। इनकम मेरे लिए इनकम नहीं है, किसी और की इनकम है, मैं इनकम को क्रेडिट नहीं कर सकती। आई हैव टू राइट द पर्सन्स नेम। सो लाइक दैट वे यू नीड टू थिंक। फॉर दैट अगेन यू नीड प्रैक्टिस। 33rd क्वेश्चन फ्रॉम बैक एक्सरसाइज, सी दैट। 33rd क्वेश्चन, नहीं मिसलेनियस मिक्स सी है, आपको आती है सारी, जहां पे टिपिकल होगा आई विल डिस्कस। सारी करवाई हुई है मोर ऑर लेस। 33rd, जो कोई नहीं होगी आई विल डिस्कस विद यू। यू स्टार्ट डूइंग, पहला आपको आता होगा। कॉलम्स के नाम खुद लिख लेना, मैं सीधा सॉल्व करूं। यस, एक्सचेंज वाला करवाया हुआ कल, बिल्डिंग खरीदी नहीं, प्लॉट खरीदा और अपनी बिल्डिंग दी। कल मैंने थोड़ा सा डिस्कस आपके साथ नहीं किया था, मैंने ऐसे करवा दिया था, न्यू फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड फर्नीचर टू कैश, वो सीधा फर्नीचर टू कैश भी कर दे। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप नेट से भी कर सकते हो, आप मेरी तरह तीन अकाउंट वाला भी कर सकते हो। अगर आप नेट से करोगे तो एंट्री बनेगी प्लॉट अकाउंट डेबिटेड टू कैश विद रुपीज 10 लाख, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग उसे दी है और नया प्लॉट खरीदा है। प्लॉट टू कैश कर लो 10 लाख विद डिफरेंस, पहली एंट्री बनेगी प्लॉट अकाउंट डेबिटेड। प्लॉट को लैंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, अकेला लैंड भी लिख सकते हैं प्लॉट को। सो लैंड अकाउंट डेबिटेड टू कैश, लैंड अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट विद डिफरेंस। दूसरा अल्टरनेटिव भी करवा देती हूं, अगर मेरी तरह करना है तो, जो मैंने कल बताया था, बिल्डिंग इज गोइंग आउट, लैंड अकाउंट डेबिटेड, आप उन्हें अपनी बिल्डिंग दे रहे हो और बैलेंस आप कैश में दे रहे हो टू कैश। सो लैंड इज ऑफ 30 लाख, बिल्डिंग इज ऑफ 20 लाख और नेट कैश आप कितना दे रहे हो 10 लाख। सो इधर और है, या तो आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ चलो या आप सेकंड ऑप्शन के साथ चलो, ठीक है, दोनों एंट्री से ठीक होंगी। यहाँ पे लैंड आ रही है डेबिट वर्ड कम्स इन, पुरानी बिल्डिंग जा रही है क्रेडिट वर्ड गोस आउट, और जो डिफरेंस है आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, राइट। सो दिस इज द वे। एनी डाउट टू एनीवन? दोनों में से कोई भी ऑल्टरनेटिव वे यू कैन अडॉप्ट। टर्न द पेज एंड कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। फिर से एक्सचेंज है, नेट से कर सकते हैं, पुराना कंप्यूटर दिया नया खरीदा, और जो बैलेंस है मैं बताती हूँ, बैलेंस है पर्सनल अकाउंट में से पे किया, कैपिटल है, मतलब आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है, आप उसमें से पैसा पे कर रहे हो, बिजनेस का पैसा नहीं पे कर रहे, आप अपने घर से पैसा लेके आ रहे हो। सो दैट विल बी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो क्या बनेगा, यस, कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट विद 50,000, नेट से करो, कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 50,000, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, यस, डिफरेंस 50,000। एनी डाउट टू एनी मैन? सो दिस वॉज न्यू फॉर यू, यू आर नॉट यूजिंग द मनी ऑफ द बिजनेस, रादर यू आर ब्रिंगिंग द मनी फ्रॉम योर होम, यू आर ब्रिंगिंग द मनी फ्रॉम योर ओन, क्योंकि दो तरह के बैंक अकाउंट चल रहे हैं, एक बिजनेस का बैंक अकाउंट है, एक आपका पर्सनल बैंक अकाउंट है। तो यू आर ब्रिंगिंग फ्रॉम योर सेविंग, आप अपनी सेविंग में से लेके आ रहे हो, मीन्स आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो बिजनेस में। न्यू पॉइंट फॉर यू, आगे चलो। डेप्रिसिएशन का सिखाया हुआ है, 85,000 अमाउंट है मशीनरी की, 10% उस पर डेप्रिसिएशन लगानी है, मीन्स 8500 एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, सिखाया हुआ है, बीइंग एन एक्सपेंडिचर इट इज टू बी डेबिटेड एंड नॉन करंट एसेट इज टू बी क्रेडिटेड, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, हाउ मच? 8500। एनी डाउट टू एनीवन? यहां तक क्लियर होना चाहिए सबको, डन, कम टू नेक्स्ट, रीड द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, देखो आपको समझ आती है अगली ट्रांजेक्शन।
हाँ ये मैंने दो बातें बतानी है ना अभी के बता चुकी हूँ। हाँ बस ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्या होता है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। वी गिव इंटरेस्ट टू द प्रोप्राइटर ऑन हिज कैपिटल, वी चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम हिम ऑन हिज ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारी इनकम है तो उसे क्रेडिट करना है एंट्री में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंडिचर है तो उसे डेबिट करना है एंट्री में, राइट? लेट्स सी एट द टॉप। हाँ दोनों करेंगे, कोई बात नहीं। प्रोप्राइटर की कैपिटल थी 2 लाख, 2 लाख का 12% कैलकुलेट करना है 24,000, ठीक है। 2 लाख इंटू 12% 24,000, सो द एंट्री वी विल पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 24,000। कम टू नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स कितने की हैं और कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है भाई? 50,000 का 8% 4,000, 8 5 40, राइट? तो क्या बनेगा? रिवर्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, ड्रॉइंग्स को बढ़ा दीजिए और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को अपनी इनकम दिखाइए। नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट ऑल इनकम्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दिस इज व्हाट 4,000। कम टू नेक्स्ट, हाँ ये मेरे को नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है बेटे, लिसन टू मी केयरफुली। Sometimes what happens or most of the time what happens are like, let me explain. Bank provides us so much services, many services. ठीक है, bank provides us many services like ATM, card की facility bank हमें देता है, bank हमारे checks की collection करता है, bank हमारे order पे हमारा account में से हमारा insurance premium pay करता है, etc. etc. So after an year, bank charges a nominal fee for his services from us. और बैंक हमारे घर में आके वो पैसा नहीं मांगता, वो हमारे अकाउंट में से ही डिडक्ट कर लेता है, जिसे बैंक चार्जेस कहते हैं। सो एज इट इज बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम आवर अकाउंट, आवर बैंक बैलेंस कम डाउन, तो एंट्री बनेगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। बैंक चार्जेस टू कैश कोई नहीं लिखेगा कभी भी, बिकॉज बैंक चार्जेस आर ऑलवेज बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट, सो माई बैंक बैलेंस विल कम डाउन, गेटिंग इट? तो अगली एंट्री क्या बनेगी? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ये नहीं करवाया वो मैंने, अब मैंने करवाना भी नहीं है थ्योरी में, क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट समझा दिया। फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू अस, बैंक चार्ज नॉमिनल फी फ्रॉम अस। बैंक कुछ खर्चा जो हमारे बिहाफ के ऊपर सर्विसेज हमें देता है, उसके बदले में वो हम लोगों से फीस चार्ज करता है, उस फीस को हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खर्चा दिखाते हैं। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। आप अपने पेरेंट्स से पूछ लेना, ATM कार्ड की भी एनुअल फी लगती है 200-300 रुपए, तो साल बाद हमारे अकाउंट में से खुद ब खुद कट जाती है, राइट? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। और कितना हुआ बैंक चार्जेस? आप इसको कलेक्शन चार्जेस भी लिख सकते हो, बैंक ने हमारे चेक कलेक्ट करे तो कलेक्शन चार्जेस, और यू कैन कॉल इट बैंक चार्जेस। 450 हमारे बैंक में से कटे, बीइंग बैंक चार्जेस और कलेक्शन चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक। यस, ये भी मैंने नहीं करवाया। बिजनेस में अगर कुछ मेन इनकम्स होती हैं तो कुछ छोटी मोटी इनकम्स होती हैं और छोटे मोटे खर्चे होते हैं। छोटे मोटे खर्चे क्या हो सकते हैं? आपका कस्टमर आया आपके ऑफिस में, आके बैठा, आपने उसे चाय और स्नैक्स सर्व करवाए, तो छोटा मोटा खर्चा है। 50 या 100 रुपए का बिल बना, उसे बोलेंगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मिसलेनियस इनकम्स क्या होती हैं? आप डेली न्यूज़पेपर ले रहे हो और फोर्टनाइटली आपके पास कोई जर्नल और मैगजीन आ रहा है, तो उसके बदले में जो 6 महीने बाद या साल बाद आप रद्दी बेचोगे इन सारी चीजों की, उससे जो पैसा आएगा उसे मिसलेनियस इनकम कहते हैं। तो बिजनेस में छोटी मोटी इनकम्स हो सकती हैं, छोटे मोटे खर्चे हो सकते हैं। जब छोटी मोटी इनकम्स हैं तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू मिसलेनियस इनकम होगा, जब छोटे मोटे खर्चे हैं तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। मीन्स यू विल नॉट बी कॉलिंग इट लाइक सेल ऑफ न्यूज़पेपर, यू विल बी कॉलिंग इट मिसलेनियस इनकम, ठीक है? ऑटो रिक्शा से सामान आया, 50-100 रुपए उसने हम लोगों से लिए, तो आई विल बी कॉलिंग इट मिसलेनियस एक्सपेंसेस। चाहो तो उसे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, बट एज द अमाउंट इज वेरी नॉमिनल, वो छोटी सी अमाउंट है 100 रुपए या 50 रुपए, तो लेट अस कॉल इट मिसलेनियस एक्सपेंडिचर।
ठीक है. सो मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर ऑलवेज टू बी डेबिटेड एंड मिसलेनियस इनकम्स आर ऑलवेज टू बी क्रेडिटेड, राइट. और मिसलेनियस एक्सपेंसेस करने से कैश जाता है तो कैश क्रेडिट कर देना, मिसलेनियस इनकम पे कैश आता है तो कैश डेबिट कर देना, राइट. लेट्स सी 150. मैंने बोला ना कस्टमर्स की रिफ्रेशमेंट का, तो मैं रिफ्रेशमेंट डेबिट थोड़ी ना करूंगी, मैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट करूंगी. छोटा मोटा खर्चा मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, दैट इज 150. बीइंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस इनकर्ड या बीइंग रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड, रद्दी में न्यूज़पेपर बेचा पुराना, क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू मिसलेनियस रिसीट्स या मिसलेनियस इनकम. रिसीट्स वर्ड भी लिख सकते हैं, पी साइलेंट रहता है, रिसिप्ट स्पेलिंग होंगे लेकिन पी साइलेंट रहता है प्रोनंसिएशन में. सो इट विल बी कैश, रद्दी बेची आपने, टू मिसलेनियस इनकम्स, क्रेडिट ऑल इनकम नॉमिनल अकाउंट सेल्स, दैट इज 730. So with the help of this question, we learnt three new points. One is miscellaneous income, second is miscellaneous expenses, and third is bank charges. So आने वाले तीनों जो points थे आपके sequence में, theory में, illustrations के साथ, that all points I discussed with you. Any doubt to anyone? You may ask. कोई भी doubt, कोई भी confusion किसी को है, you can ask. Done? So your 33rd question has been solved thoroughly by me. 34th करना शुरू करो सभी लोग, स्टार्ट डूइंग 34th करो. 34th आता होगा आपको, 34th करो. डू 34th क्वेश्चन एवरीवन.